हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दीपास किचन। आज की रेसिपी है अंडा भुर्जी। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी पसंद आएंगी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कट करेंगे शिमला मिर्च और उसमें जो बीज होते हैं उसे हम हटा देंगे। यहाँ मैं दो लोगों के लिए अंडा भुर्जी बनाने वाली हूँ, इसलिए मैंने आधे मिर्च का यूज किया है। मैंने यहाँ पर एकदम फाइन चॉप शिमला मिर्च को कर दिया है। अब हम लेंगे प्याज। यहाँ मैंने एक छोटा और एक बड़े साइज का प्याज लिया है। प्याज को भी फाइनली चॉप कर लेंगे। जितना हो सके हमें बारीक काटना है। इसी प्रकार में दूसरा प्याज भी फाइन चॉप कर लूंगी। फ्रेंड, आज की अंडा भुर्जी बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। आप इसे एक बार जरूर ट्राई करिए। यहाँ मैंने दूसरा प्याज भी कट कर लिया है। अब हम लेंगे टमाटर। तो यहाँ मैं हाफ टमाटर का यूज करने वाली हूँ। इसे भी हम फाइन चॉप कर लेंगे। फिर हम लेंगे अदरक और जो बारीक वाला ग्रेटर होता है उसकी सहायता से इसे ग्रेट करेंगे। यहाँ हमें आधा इंच टुकड़ा अदरक का लेना है। अब हम लेंगे लहसुन की कलियां। तो यहाँ हमने 6-7 कलियां लहसुन की ली है। अगर आप बड़ी कलियां लेते हैं तो 3-4 ही यूज करें। इसे भी हम फाइनली चॉप करेंगे। यहाँ सारी चीजें अच्छे से चॉप करके हो गई है। गैस पर रख देंगे एक कढ़ाई और 4-5 टेबलस्पून डालेंगे तेल। तेल गरम हो जाने के बाद डालेंगे 1/2 टीस्पून राई, 1/2 टीस्पून जीरा, फिर डालेंगे बारीक कटा हुआ लहसुन। लहसुन को अच्छे से सुनहरा होने तक फ्राई करेंगे। अब हम डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को भी गुलाबी कलर आने तक अच्छे से फ्राई करेंगे। प्याज का कलर गुलाबी हो जाने के बाद अब हम डालेंगे शिमला मिर्च और तुरंत डाल देंगे बारीक कटा हुआ टमाटर और टमाटर अच्छे से गलने तक हम इसे फ्राई करेंगे। देखिए फ्रेंड, टमाटर अच्छे से गल चुका है। अब हम डालेंगे अदरक की पेस्ट। हमने जो बारीक वाले ग्रेटर से ग्रेट करके लिया था वो अदरक हमने डाल दिया है। अब डालेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, फिर डालेंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाला और सारी चीजें अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर हम डालेंगे स्वादानुसार नमक और अच्छे से मिलाएंगे। गैस की फ्लेम को मैंने कर दिया है लो और 3 अंडे फोड़ के मैंने डाल दिए हैं। फिर डाल दिया है बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब हमें
अच्छे से सारी चीजें मिक्स करनी है। हमें तब तक चलाते रहना है जब तक कि भुर्जी कढ़ाई छोड़ने लग जाए। आप देख सकते हैं फ्रेंड, भुर्जी अभी कढ़ाई छोड़ने लग गई है। बस यहाँ पर हमारी अंडा भुर्जी बनकर तैयार हो गई है। अब हम गैस की फ्लेम को करेंगे बंद। फ्रेंड, आज की अंडा भुर्जी रेसिपी आपको कैसी लगी? अच्छी लगे तो प्लीज कमेंट्स कर जरूर बताइए। आप इसे ब्रेड के साथ, रोटी के साथ खा सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगने पर लाइक और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ मेरी रेसिपी शेयर करिए। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं ऐसी ही बढ़िया रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।